हेलो। हाँ नमस्ते। हाँ प्रिया बोल रही हूँ। नहीं, मतलब हमने संजू भैया के फंक्शन में आपको देखा, बहुत ही स्मार्ट है आपने। का है मत हमारे जुखा बाजी हो, मार दुलहन दुलहन लगाए हो। का है काहे दुलहन दुलहन लगाए, घंटा भर से लड़का दुआवत तुमका नहीं मालूम। पढ़े का न लूट सके और बनिया महाजन, खूब करो खेती पाती, खूब करें खेती पाती और करके नए साधन। आमी बात तो करूंगी लेकिन हमारे मोबाइल में बैलेंस नहीं है, थोड़ा करा दीजिए। कितने का करा दें आप? 500 का करा दीजिए। अब जब बात मनोरंजन की आई तो काफी युवा खड़े हुए हैं। यदि भगवान ने आपको लड़की बनाया होता और आपको अपने मोबाइल में रिचार्ज किसी एक युवा से कराना होता तो कैसे कराते? करूंगा रिचार्ज, वो कैसे करेगा भाई, उसको प्रभावित करना पड़ेगा। हेलो। हाँ नमस्ते। हाँ प्रिया बोल रही हूँ। नहीं, मतलब हमने संजू भैया के फंक्शन में आपको देखा, बहुत ही स्मार्ट है आपने। हाँ ना, मैंने किसी से नंबर लिया और बताइए। नहीं, पापा इसमें लखनऊ है, मम्मी घर पे। जी, हाँ मैं बात करूंगी। नहीं, बैलेंस नहीं है पापा, बैलेंस नहीं रखते हमारे मोबाइल में। नहीं, ठीक नहीं, करा दीजिए। कितना? 500 रुपये करा दीजिए, बहुत है। जी, तो मैं इस तरह में बैलेंस भी रिचार्ज करा देता हूँ। किस संघर्षों के साथ और किस जज्बे के साथ जब आप जन जागरूकता कार्यक्रम के लिए आप निकले और कैसे आपने प्रैक्टिस किया, शीशे के सामने खड़े होकर किस तरह से अपने आवाज़ को बदला और बार बार अभ्यास के बाद आज आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि अब आपको कोई पहचान की जरूरत नहीं है। भाई साहब, हम चाहेंगे कोई जन जागरूकता पर या अंधविश्वास पर कोई एक आप अगर कार्यक्रम हो तो यहाँ प्रस्तुत करें, सब लोग हैं यहाँ पर। जी, बिल्कुल। तालियां बजा दीजिए पहले आप लोग। जैसा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर ये होता है कि अगर किसी बच्चे की तबीयत खराब होती है तो उसको झाड़ फूँक कराते हैं। ये जागरूकता की कमी है, शिक्षा की कमी है। तो मैंने इस पे मोनो एक्टिंग के माध्यम से इस पे हमने कार्यक्रम बनाया और कई जगह पे हमने प्रस्तुत भी किया और जिसका रिस्पांस भी मिला कि जिस गांव में मैं दोबारा गया तो वहां पे मैंने पूछा, भैया झाड़ फूँक कराते हो कि नहीं? भैया हम तभी से झाड़ फूँक नहीं कराते, हम डॉक्टर साहब के पास ले जाते हैं और मैं अब उस चक्कर में नहीं पड़ता हूँ। तो आइए दर्शकों, एक बच्चे की तबीयत खराब है और उनके घर वाले, उस बच्चे के घर वाले सभी लोग अनपढ़ हैं, निरक्षर हैं, कहने का मतलब साक्षर नहीं है। तो देखिए, बच्चे की तबीयत खराब है और बच्चे को कहाँ ले जाना चाहिए और घर वाले शिक्षा की कमी के कारण बच्चे को कहाँ लेके जा रहे हैं। बच्चे की तबीयत खराब है तो जाहिर सी बात है बच्चा रोएगा। अब आगे देखते हैं। अरे बूढ़ा, ओ बूढ़ा, का यार तुम हमारे खपड़ी चिड़िया डाल रहा, बूढ़ा बूढ़ा लगा ये। अरे बूढ़ा, तनी घर में जाए के देखो, हमका लागत है कौनो नदी का रोवत। तुम्हारे खपड़ी चिल्ला था, मोर पिरवाया डाल रहा था, हमका नहीं सुना था, इनका बहुत सुना। अरे बूढ़ा, तुम चले जाओ भाई, तुम देख लो, हमका ना परेशान करो। जय भला देखी क्वाज, हाय रे भगवान, दुल्हन पर ही स्वागत है और लड़का पर स्वागत है। हाय रे भगवान, अरे दुल्हन, ए दुल्हन, कहे मत हमारे जुखा बाजी हो, मार दुल्हन दुल्हन लगाए हो। काहे दुल्हन दुल्हन लगाए, घंटा भर से लड़का दुआवत तुमका नहीं मालूम। तो कहा करी अम्मा, 3-4 दिन से हमारे लड़का पता नहीं का होएगा है, वैसे बलर बलर रोवत है। ओ हमार बच्चा न हमार बच्चा। जय भाई, तुम्हारे ससुर से कहे, अरे बुढ़हू, ए बुढ़हू, बूढ़ा आखिर क्या रोवत है? दुल्हन के लड़कावा आई रोवत। क्या रोवत है? दुल्हन के लड़कावा। त
तो जो कहे चिल्लाती हो का हम सुन नहीं पाई थे। अरे दुल्हन के लड़कवा जुआवत है का होगा है वो का हमका लागा था कि वो का कौनऊ पका दे ढक दे कौनऊ लाग भी लाग होगा। अरे तो लौडवा बौरवा बलाई लो अभी खई पुरवा चली जाओ बुधराम काका झारा थे जाओ झराई लो हमें दौड़े दौड़े जाए अपना खटिया पर से गोज नहीं वो तारत। हाँ दुल्हन तुम काहे अम्मा हमरे झुका बाजी हो बेर बेर दुल्हन दुल्हन लगाया हो काहे तुम्हार ससुर कहाँ थे कि लौंडवा ले जाओ झड़ाई लो तो मैंने कहाँ चली जाए की का बलाई ले बौरवा लौंडवा बलाई लवाओ के का बलाई घर आई भला पता नहीं का होएगा लड़कवा बौरवा भैया रे ओ भैया काय हो अम्मा काय गुआ तो अम्मा काय गुआ तो यार भैया तनी चलो लड़का झराय ले बहुत तबीयत लड़का खराब है मोर भैया तो साथ है चले चलो नदी में जाओ हमका 5 रुपया दो तुम जेब नहीं तो नदी में जाओ। अरे तुम का 10 रुपया दे दिया भाई आओ चलो झराय ले हम 5 रुपया ले लिया चाहे जून नहीं तुम नहीं दे भाई अम्मा। अरे दे दिया भाई तो का 10 रुपया दे दे चलो आओ लगा था यहाँ घर हो बुधराम काका के बुधराम काका बुधराम काका घर इतने दरवाजे जाए देखो कोनो मेहरारू आई है जब से तुम झाड़े फूका जान दो रात रात सो बाप। अरे तई चली जाओ द्वारे क्वा द्वारे घर आओ काकी नमस्ते मनी रहा बच्चा भगवान ये कर रख कैसे आई हो का करी काकी 3-4 दिन से हमारे लड़का को पता नहीं का होगा वैसे बलर बलर रोवत है वो हमारे बच्चा वह काका के नाम बहुत सुना है कि काका झाड़ दे तो हमारा लड़का ठीक आ जाए। हाँ हाँ काका तुमका तुम्हारा डब्बे कहूँ झाड़े गए रहा यही बैठे आओ आओ मिला दी काका नमस्ते। अरे बिजलाल दुल्हन कहा बात है बच्चा बड़ी उदास हो तुम्हारा चेहरा तो बड़ा उतरा लागत है रोवंधी रोवंधी लागत। अरे काका 2-3 दिन से हमारे घर में चूल्हा नहीं जला है लड़का से प्यारा कुछ हो 3-4 दिन से लड़का का हमारे बहुत तबीयत खराब है मोर काका हमारे लड़का झाड़ दो। अच्छा ठीक है का कांधे पाल लो हम झाजे दीत है पिते सब लोग का नाम या कुछ रहे तो मातुल छुआ रजो जुसे जजमन सत्य बेटे पाल छुआ पता नहीं कौन मैं लड़का झाड़ा था ना मैं लड़का थे कहे ना कुछ तो बच्चा जो जानित रहे तुम झाड़ दीने ना फायदा होते तो ले जाओ आ चली हमार बच्चा आज हमारे भैया पता नहीं कहा होगा। ओमेन हाँ मैं तुम्ही को बुला रही हूँ बताओ ये बच्चे को लेके कहाँ गई थी। आए मैम साहब मैं पूछ रही हूँ बच्चे को लेके कहाँ गई थी। अरे मैम साहब जरा वही फुकावे गई रहन जरा देखें तुम्हारे बच्चे को ओ माय गॉड्स तुम्हारे बच्चे को तो बहुत तेज बुखार है इसको डॉक्टर पास नहीं ले गई थी क्या तुम पढ़ी लिखी नहीं हो। अरे मैम साहब सबको कहा था क्या करी हो बिटियन पढ़ाई लिखाई की का नौकरी मिल जाए ऐसी बात नहीं है अगर आज तुम पढ़ी लिखी होती तो अंधविश्वास में न पढ़ करके अपने बच्चे का इलाज कराती। खैर ठीक है आइए मैं तुम्हारे बच्चे का इलाज कराती हूँ। डॉक्टर साहब नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते क्या बात है एनम ये महिला कहाँ से आई। सर ये आई नहीं है बेचारी धुक्की मारी है अंधविश्वास में पढ़ करके बेचारी जो है झाड़ फूक कराने गई थी जबकि इस बच्चे को बहुत तेज बुखार है दवा दे दीजिए सर। अच्छा ठीक है इधर आइए। आए डॉक्टर साहब मैं तुम्ही को बुला रहा हूँ इधर आइए क्या नाम है तुम्हारा। अरे साहब हमारा नाम तो रमदेया है। अच्छा अच्छा तुम्हारा नाम रमदेया है तुम्हारे पति का क्या नाम। अरे साहब हमारे सबके गाँव में मेहरुए मर्दन के नाम नहीं लिया था कुछ ही लिख लिया साहब। लेकिन तुम्हारा तुम्हारे बच्चे का तुम्हारे पति का नाम रजिस्टर में अंकित करना पड़ेगा बताइए क्या नाम। अरे साहब कुछ लिख लो एनम एनम। जी सर इस बच्चे को 2.6 कम में भर्ती करके और बुखार की दवा दीजिए लेकिन याद रहे कभी भी किसी के बच्चे की तबीयत खराब हो तो आप लोग झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े चाहे वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो या जीरा अस्पताल में अच्छे डॉक्टर से मिलिए उनका इलाज कराइए। बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने दिखाया इस तरह से आप गाँव गाँव जाते हैं घर घर जाते हैं और जंगल किनारे ग्रामीणों को हर जगह जागरूक करते हैं और जब कोई जन जागरूकता कार्यक्रम हास्य बनाकर या मनोरंजनात्मक तरीके से किसी के सामने पेश किया जाता है तो वो कार्यक्रम लोगों के दिल में उतरता है जिससे वो शिक्षा लेते हैं। सर पहले आप अपना परिचय दर्शकों को बताइए आपका नाम और आप क्या करते हैं। जी जी मेरा नाम ब्रजेश कुमार पुष्कर है और मैं विकास खंड तेजवापुर तहसील महसी और जनपद बहराइच का रहने वाला हूँ और मैं
मोनो प्ले करता हूँ, मोनो एक्टिंग भी करता हूँ और पूरी टीम मेरे साथ में है। जो सरकार की जो भी योजनाएं हैं उन योजनाओं को अपने मोनो एक्टिंग के माध्यम से लोगों तक पहुँचाना। दो लाइन कहना है, उसके बाद फिर नाटक प्ले करूँगा। कहना है कि पढ़े बिना मानो हो, मेरा इशारा है कि बगैर पढ़े हमारा जीवन सफल नहीं हो पाएगा और हम जागरूक नहीं हो पाएंगे। कि पढ़े बिना मानो और बेकार जैसे लागे, पढ़े बिना मानो बेकार जैसे लागे, पढ़े बिना मानो, पढ़े बिना मानो और बेकार जैसे लागे, पढ़े बिना मानो और बेकार जैसे लागे, और शिक्षा बिना सुना, हाँ शिक्षा बिना सुना श्रृंगार जैसे लागे, शिक्षा बिना सुना वाह वाह श्रृंगार जैसे लागे, पढ़े बिना मानो। अगर हम पढ़े लिखे हैं तो कि पढ़े का न लूट सके बनिया महाजन, पढ़े का न लूट सके और बनिया महाजन, खूब करो खेती पाती, खूब करें खेती पाती और करके नए साधन, कि कट जाए गल्ला और बखार जैसे लागे, पढ़े बिना मानो बेकार जैसे लागे, शिक्षा बिना सुना श्रृंगार जैसे लागे, पढ़े बिना मानो। कला को कला की नजरिए से आप लोग देखिए। दर्शक ये बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं मीनपुरवा के दोनों लोग, लेकिन आप लड़कियों की आवाज में बोलेंगे और ये इधर से रिप्लाई करेंगे। हेलो नमस्ते। नमस्ते। जब हम उधर लाया करें तभी बोला करिए, ठीक। आप पहचाने कौन बोल रही हूँ? नहीं, हम पहचान नहीं पाए आपको। मैं प्रिया बोल रही हूँ। कौन प्रिया? प्रिया 2.6 हमारे क्वार्टर्स का नंबर है, बरामटा बहराइच। मैंने आपको देखा था संजीव भैया के फंक्शन में। हाँ देखा होगा। बताइए। आप दाढ़ी वाड़ी खूब रखा है, हैंडसम लगते हैं और खूब मत्थे पर लेप वेप लगाया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। रियली आपको वास्तव में पसंद आए? जी। तो बढ़िया है, आप बताएं। बस ठीक है, पापा है नहीं इसमें, मम्मी अभी थोड़ा सा समय निकाल के बात कर रही हूँ। क्या मुझसे बात करना चाहोगे? और हाँ बात कर लीजिए। हाँ नहीं, बात तो करूँगी लेकिन हमारे मोबाइल में बैलेंस नहीं है, थोड़ा करा दीजिए। ठीक है, कितने का करा दें आप? 500 का करा दीजिए। 500 का कराएंगे, कितने दिन बात करेंगे? नहीं जब तक चलेगा मैं बात करूँगी, फिर आपसे बताऊँगी। नहीं अच्छा ठीक है, तो करा दे रहे हैं, उसमें क्या है? आई लव यू। सेम टू यू। ये मनोरंजन है। ये देखिए, ये भी गाड गिफ्टेड है, इसको हम लोग हंसते हैं और जो हंसी है वो स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होती है। इस तरह के कलाकार अपने बीच में हों और इस तरह के जन जागरूकता कार्यक्रम चलाते हों तो हम लोगों का भी दायित्व बनता है कि कभी इनके घर पहुँचें, इनसे पूछें, इनकी समस्याओं को महसूस करें और सोचें कि इस हंसी के पीछे की मेहनत, इस हंसी के पीछे का दर्द और इस हंसी के पीछे का अभ्यास में इन्होंने कितने दिन गवाए, कितना पसीना बहाया। हम सरकार से भी अपने चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहेंगे कि कला का सम्मान तो सब जगह होता है, कभी इन गरीबों के घर पर भी आएं और सरकारी योजनाओं के साथ, सरकारी सम्मान के साथ, सरकारी पुरस्कार के साथ आप जैसे लोगों को भी नवाजें तो फिर ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभा को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकेगा।